नमस्कार, मैं हूँ मेघा वर्मा। सिने आजकल न्यूज में आपका स्वागत है। बुलेटिन का रुख करते हैं कुछ खास खबरों के साथ। संदेश विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत कुल्हड़िया स्टेशन के नजदीक मनरेगा द्वारा आयोजित वृक्षारोपण कार्यक्रम में बीजेपी प्रदेश महिला मोर्चा के प्रवक्ता सह सकड्डी मुखिया श्वेता सिंह द्वारा वृक्षारोपण कार्य का शुभारम्भ कर 200 वृक्ष लगाए गए। आइए देखते हैं रिपोर्ट। पेड़ ज्यादातर ऑक्सीजन छोड़ते हैं और ये हमारे ऑक्सीजन मतलब कि हमारा जीवन में ऑक्सीजन की कितनी ज़्यादा ज़रूरत है ये सब कोई जान रहा है। अभी कोरोना महामारी में भी देख रहे हैं कि ऑक्सीजन सिलेंडर लगा लगा के जान बचाया जा रहा है, तो इसलिए पृथ्वी पे ऑक्सीजन का लेवल हाई रहे, हम लोग स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें, इसलिए हम लोग पेड़ लगा रहे हैं। और ये मनरेगा की तरफ से लग रहा है, मनरेगा के हमारे पीओ साहब है, पीआरएस है, तो हम लोग अपने पंचायत में जितना ज़्यादा पेड़ लगाएंगे उतना ही हमारे लिए अच्छा रहेगा, हमारे वातावरण को, आने वाली पीढ़ियों को, हमारे जितना भी समाज में लोग हैं। एक तो इनको मनरेगा की तरफ से काम मिलेगा, ऐसे बेरोजगार चाहे कमजोर जो लोग हैं, विकलांग भी हैं, तो इनको पेड़ लगाएंगे, इनको मनरेगा की तरफ से 1500 रुपये महीना भी मिलेगा, साथ ही हमारा वातावरण भी शुद्ध होगा, इसलिए बहुत ज़रूरी है पेड़ लगा। इस दौरान बीजेपी महिला मोर्चा के प्रवक्ता सह सकड्डी मुखिया श्वेता सिंह ने कहा कि आज पर्यावरण दूषित होने से लोग तरह तरह की बीमारियों से ग्रसित हो रहे हैं। वर्तमान समय में जिस तरह से हरे भरे वृक्षों की कटाई हो रही है, काटे गए वृक्षों की तुलना में अधिक नए वृक्ष नहीं लगाए गए तो पृथ्वी वृक्ष विहीन हो जाएगी। अतः लोगों से श्रीमती सिंह ने आह्वान किया कि पृथ्वी दिवस पर एक एक वृक्ष जरूर लगावें। साथ ही उन्होंने कहा कि पर्यावरण का जीवन से अटूट रिश्ता है, इस रिश्ते को टूटने न दें, वृक्ष जरूर लगाएं। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए सिने आजकल न्यूज। नमस्कार।